हेलो फ्रेंड्स, भारत सॉल्यूशन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं गौतम आप सभी के लिए ट्यूटोरियल वीडियोस, ऑनलाइन सेटअप से रिलेटेड, ऑनलाइन क्लासेस से रिलेटेड, कैसे क्लासेस देंगे, किस तरह की क्वालिटी होनी चाहिए, कैमरा, ऑडियो, वीडियो कैसा होना चाहिए, इन सब को लेकर हम लोग रेगुलर आपके लिए कुछ ना कुछ इस तरीके के टेक्नोलॉजीज को लेकर आते रह रहे हैं। तो अभी हम लोग देखते हैं कि एक हमने अभी पेन टैबलेट का सेटअप यहाँ पर एक किया है। ये इन डिस्प्ले पेन टैबलेट है। इन डिस्प्ले का मतलब दो तरीके के पेन टैबलेट्स होते हैं। एक स्लेट होता है जिसके ऊपर कोई डिस्प्ले नहीं होता है, कोई मतलब उसमें कुछ भी आपको नजर नहीं आएगा, बस एक सिंपल सा एक बैकड्रॉप होगा। यहाँ पर अभी हम लोग जो यूज कर रहे हैं ये ATDC का एक पेन टैबलेट है। ये इन डिस्प्ले ऑप्शन मॉड्यूल में है। ये 19 इंच का डिस्प्ले है। तो इसके अंदर जो कुछ भी हम लोग जैसे लैपटॉप से या PC से कनेक्ट करते हैं एग्जैक्टली सेम वैसा ही है जैसा अदर पेन टैबलेट्स में होता है, लेकिन इसमें एक स्पेशलिटी ये है कि इसके अंदर एक डिस्प्ले का ऑप्शन है जिसके वजह से जो कुछ भी आपके लैपटॉप या डेस्कटॉप पे कनेक्टेड होगा वो यहाँ पर आपको नजर आता है। नजर आने का दो फायदे होते हैं कि एक तो आप कोई भी ऐसा सॉफ्टवेयर जो सॉफ्टवेयर में एक रेफरेंस की जरूरत होती है जो एग्जैक्टली आपको दिखाई दे, तो कई बार डिस्प्ले सामने होता है और पीछे जब पेन टैबलेट या वैकॉम का, HP का, बहुत सारे अलग अलग ब्रांड्स के आते हैं, आईबॉल के आते हैं, तो हम लोग कोई और यूज कर रहे होते हैं तो उसमें क्या होता है कि हमें डिस्प्ले दिखाई नहीं देता, जिसके वजह से क्या होता है कि प्रॉपर वे में हम जहाँ पर टिक मार्क करना है, कैसे माउस को स्क्रॉल करना है, ये सारी चीजों को सीखने में एक अच्छा समय चला जाता है। तो ये डिस्प्ले वाला पेन टैबलेट है जिसके अंदर आपको कई चीजें इसी के अंदर में मिल जाती हैं। तो मैं आज आपको इसका एक छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन वीडियो जिसमें हम लोग देखेंगे कि पेन टैबलेट यूज करने में कैसा इजी है, नहीं है, यूजर फ्रेंडली है या नहीं, इसके अंदर में क्या क्या मेरिट्स डिमेरिट्स हैं वो खैर हम लोग वीडियो के लास्ट में बात करेंगे सबसे। तो अभी चलते हैं हम लोग। सबसे पहले हमारे सामने एक हमने सेटअप कर रखा है जिसका एक वीडियो, एक टोटल टूर वीडियो भी है। लास्ट में हम आपको जरूर दिखाएंगे कौन सी माइक, कौन सा मिक्सर, कौन सा रिकॉर्डिंग के लिए, मतलब जो जो प्रोडक्ट हमने इस्तेमाल किया वो सारे प्रोडक्ट को लास्ट में हम लोग दिखाएंगे। उसका डिस्क्रिप्शन हमारे लिंक में भी होगा। तो चलिए यहाँ पे हम देखते हैं। जैसा आप देख रहे हैं कि मैं जो दिखाई दे रहा हूँ ये क्रोमा किया गया है, ठीक है। मेरे तो सामने एक डिस्प्ले है जो कि एक टच डिस्प्ले है। इसके ऊपर जो कुछ भी मैं लिखूंगा इस पेन के माध्यम से, इस पेन के द्वारा, वो सब कुछ इसके डिस्प्ले पर वो एग्जैक्टली वैसे ही फंक्शनल काम करेगा जैसे मैं माउस को यूज करता हूँ। तो माउस को स्क्रॉल करता हूँ, माउस का टच पैड बहुत छोटा होता है तो हम उसको एक लिमिटेड वे में ही यूज कर पाते हैं, जैसे कहीं पे स्क्रॉल, कहीं ओपन, कुछ क्लोज करना या मेनू सेटिंग्स, इन सब के लिए। लेकिन अब हमें पढ़ाना है या हमें अगर टीचिंग से रिलेटेड जो है कि हमें बड़े डिस्प्ले चाहिए, कुछ डायग्राम्स बनाने हैं, कुछ चीजें करनी है, तो हम एग्जैक्टली छोटे एक टच पैड से काम नहीं कर पाते। तो हमें एक पेन टैबलेट जैसा एक कोई मॉड्यूल चाहिए होता जो कि 6 इंच से लेकर अभी के डेट में 24 इंच तक अवेलेबल है मार्केट में। 19 इंच के डिस्प्ले पे मैं आपको डेमो दिखा रहा हूँ जिसमें आप देख रहे होंगे कि मैं जो लिख रहा हूँ ये मेरे बैकग्राउंड के पीछे में नजर आ रहा है। तो ये जो पीछे हमारे नजर आ रहा है वो कैसे बना, कैसे उसका सेटअप हमने तैयार किया, वो सारी चीजें हम लोग आपको इसके लिए एक स्पेशल दूसरा वीडियो बनाएंगे जिसके अंदर आपको सब चीजें एक्सप्लेन करेंगे। अभी हम लोग चलते हैं यहाँ पे कि एक पेन टैबलेट है, पेन टैबलेट का फंक्शनैलिटी यूज करने में कितना कैसे कारगर है, नहीं है, ये हम लोग देखते हैं। तो हम लोग जो है एक और एप्लीकेशन है जिसको आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, कई लोगों ने इसको कई बार इस्तेमाल किया होगा अलग अलग जगहों पे। वन नोट सॉफ्टवेयर है जो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 10 के साथ में कम्प्लीटली ये उसके साथ ही आता है, ठीक है। इसमें कुछ नहीं करना होता है, ये फ्रीवेयर भी एक तरह से बोल सकते हैं आप कि इसके लिए आपको सिर्फ एक आउटलुक या जी हॉटमेल, मतलब माइक्रोसॉफ्ट का एक कोई सा भी ईमेल आईडी डालकर आप लॉगिन करके इसको आप यूज कर सकते हैं। तो ये हमारे सामने वन नोट है, जैसा कि आप देख रहे हैं वन नोट में आपको ड्रॉ का ऑप्शन आता है, ये सारी चीजें हैं। तो कई लोग हमसे बोलते हैं कि टच पैनल में, जो टच पैनल्स होते हैं टच पैनल में या इसमें पेन टैब्स में डिफरेंस क्या है। तो मेरा ये एक सबसे, मतलब इसमें अभी तक जो मुझे सबसे अच्छा लगा कि टच पैनल्स में क्या होता है कि किसी भी पर्सन को वो पीछे टर्न होकर लिखना होता है, तो क्या होता है कि एक कुछ देर के लिए जो आई कांटेक्ट होते हैं, एक जो हमारा और जो भी पढ़ाने वाले टीचर और बच्चों का जो जुड़ाव होता है वो कुछ देर के लिए रुक सा जाता है। लेकिन पेन टैब्स में क्या होता है कि कंप्लीटली शुरू से लेकर एंड तक टीचर जो होते हैं वो हमेशा
सामने ही देख रहे होते हैं, तो इसलिए इसमें थोड़ा सा अट्रैक्शन जो है बच्चों का और खास तौर पे टीचर के साथ में कम्युनिकेशन, ऐसा लगता है कि कहीं पे कोई गैप नहीं आ रहा है। खैर, आप जैसे पढ़ाना चाहते हैं, आपकी मूड है, आपका आपकी टेक्नोलॉजी आपको जैसे पसंद आती है, आपको ये टेक्नोलॉजी आप वैसे यूज कर सकते हैं, इसके लिए कोई कहीं फाउंडेशन नहीं है किसी के लिए। लेकिन जो अभी मैं आपको कंप्लीटली दिखा रहा था, ठीक है, एक अभी अभी ये मैंने दिखाया आपको कि ये एक वन नोट है, कैसे आप वन नोट भी इजिली यूज कर पा रहे हैं। ऊपर में आप देख सकते हैं ड्रॉ के अलग अलग सेटिंग्स हैं, कलर्स है, थिंकनेस है, अलग ब्रश टूल, आपको जैसा लेना है आप अपने हिसाब से इसको लेकर यूज कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसमें ऐसा नहीं है एक वन नोट ही है, इसमें बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं, जैसे इसमें आप पावर पॉइंट भी यूज कर सकते हैं। पावर पॉइंट भी एक ऐसा एप्लीकेशन है जो काफी ज्यादा माइक्रोसॉफ्ट का यूज किया जाता है। आप पावर पॉइंट पे भी, जैसे कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ टीचर्स जिनको पावर पॉइंट के प्रेजेंटेशन बनाने में, नोट्स बनाने में काफी ज्यादा मतलब जो है कि फ्लुएंट हो चुके हैं, तो अब अचानक से उनको बोलना कि सर आप वन नोट करो या आप किसी को वन नोट पे ही आप आओ, ऐसा नहीं है कि आपको वन नोट ही कोई रिक्वायर्ड है। ठीक है, आप पावर पॉइंट पे भी पढ़ा सकते हैं। पावर पॉइंट पे अगर आपने कोई सा भी सेटिंग ले रखा है, कुछ भी, जैसे आपने पीपीटी बना रखी है, पीपीटी के ऊपर लिखना हो गया, बताना हो गया, समझाना हो गया, तो आप पीपीटी के ऊपर ये काम कर सकते हैं। तो जैसे आप देख रहे हैं कि हमारे सामने ये एक पीपीटी का पेज हमने एक स्लाइड शो के रूप में खोल लिया है, इसमें आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक ऑप्शन है पेन वगैरह है, तो आप पीपीटी पे भी पढ़ा सकते हैं, ऐसा नहीं कि पीपीटी पे आपकी क्लासेस नहीं हो सकती है। ठीक है, तो पीपीटी पे भी आप पढ़ा सकते हैं, और इसको आप कंप्लीटली जैसे सेव करना चाहें तो आप पीपीटी के फॉर्म में, पीडीएफ के फॉर्म में, अलग अलग बहुत सारे फॉर्म हैं, फॉर्मुलेशन हैं, जहां आप इसको अलग अलग तरीके से सेव कर सकते हैं। तो आपके पास मल्टीपल ऑप्शन आते हैं सेव करने के लिए भी, ठीक है, तो आप सेव कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी तक हम लोगों ने देखा कि सेटअप में हम लोग कैसे सॉफ्टवेयर्स भी यूज कर सकते हैं, कितना इजीली हम लोग पावर पॉइंट या वन नोट, जो पहले से हमारे डेस्कटॉप में कहीं ना कहीं सिस्टम में होते ही होते हैं, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है नियर अबाउट सब कोई, हर कोई यूज करता है। ठीक है, और वन नोट विंडोज 10 के साथ में आज के डेट में बाय डिफॉल्ट अवेलेबल है। तो हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट की, क्या प्रोडक्ट है और कौन कौन से प्रोडक्ट हम लोगों ने इसके लिए यूज किए हैं, और कितने कम कॉस्टिंग में हम लोग एक ऐसा इंटरेक्टिव स्टूडियो डेवलप कर सकते हैं जो कि बहुत ही कम स्पेस लेता है और घर के किसी भी कॉर्नर में जो है कि ये सेट हो सकता है। ये एक बहुत ही चीप एंड बेस्ट, बहुत ही अच्छा एक स्टूडियो बन सकता है, डेवलप हो सकता है विथ क्वालिटी। तो क्वालिटी प्रोडक्ट्स यूज करते हुए हम लोगों ने इसको एक सस्ते रेंज में एक बनाया है। तो अभी हम लोग आपको प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं कि जैसा आप देख सकते हैं कि एक ATDSC का हम लोगों ने PTZ कैमरा यूज किया है। ये PTZ कैमरा फुल HD कैमरा है जिसके रिजोल्यूशन है 1920x1080, और ये कम्प्लीटली कलर्स और बाकी सारी चीजें, जो हमारा ये वीडियो आप देख रहे हैं ये भी इसी के ऊपर बनाया गया है, इसी के ऊपर रिकॉर्डेड है, तो क्वालिटी आप देख सकते हैं कि कैसी क्वालिटी आ रही है। दूसरा चीज है फ्रेंड्स कि इसके साथ में जो हम लोगों ने पैनल यूज किया है, जो टच स्क्रीन है, जो एक पेन टैबलेट है इन डिस्प्ले, ये ATDSC का ही है। इसकी साइज 19 इंचेस है, और दोस्तों मैं बता दूं कि इसकी जो प्राइस रेंज है, ऑब्वियसली कि ये कंपनी बहुत लोगों ने नहीं सुनी होगी, कई लोग बोलते हैं ये नई कंपनी है, कुछ कॉरपोरेट सेक्टर्स में ऑलरेडी बहुत जगह ये यूज हो रहा है, फिर भी मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं कि ये जो प्रोडक्ट है ये ऐसा प्रोडक्ट है कि इस रेंज में, इस रेट प्राइस रेंज में कोई भी आपको 19 इंचेस का पैनल नहीं दे रहा है, सिर्फ यही एक कंपनी है जिसके पास ये साइज अवेलेबल है इस प्राइस रेंज में। तो इस प्राइस रेंज में दोस्तों मैं रियली में, लिटरली में बता दूं, ये सबसे सस्ता है। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन को भी चेक कर सकते हैं, नीचे हेल्पलाइन नंबर पर आप कॉल करके इसके बारे में जानकारी भी ले सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको लगता है कि इस प्रोडक्ट को आप देखना चाहते हैं, इसका डेमो लेना चाहते हैं या यूज करना चाहते हैं, तो आप ऑब्वियसली इस नंबर पर कॉल करके आप अपने डेमो वगैरह को भी बुक कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं, ज्यादा समय वेस्ट ना करते हुए। हम लोगों ने यहाँ पर एक साउंड मिक्सर यूज किया है, एक रोड का माइक यूज किया है, आप रोड के माइक के जगह पे कोई सा भी माइक इस्तेमाल कर सकते हो, ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं कि हम रोड का ही माइक यूज करेंगे, क्योंकि ये मैं रिकॉर्डिंग के लिए यूज करता हूँ, इसलिए ये मेरे पास अवेलेबल था तो मैं इसी पे यूज कर रहा था, रिकॉर्डिंग कर रहा था। एक हमारे पास आसूस का एक लैपटॉप है,
जिसको इसमें यूज किया गया है, और दो लाइट पैनल्स हैं। एक ग्रीन कर्टेन है जो मेरे पीछे लगा हुआ था, जिसके ऊपर सारी चीजें डिस्प्ले हम लोग ट्रांसपेरेंट करके इसको यूज कर रहे थे, कलर की यूज करके हम लोगों ने ग्रीन कलर को हटाया था, रिमूव किया था। ठीक है, अब इसके साथ साथ जो है हमारे हमारे पास पास दो लाइट्स हैं जो हम लोगों ने इस रिकॉर्डिंग के लिए यूज किया। ये दोनों लाइट बहुत ही कॉमन लाइट्स और बहुत ही चीप लाइट्स हैं, ऐसा मतलब स्टूडियो के सीरीज में बहुत ही सस्ते लाइट माने जाते हैं। इनमें 3 LED बल्ब का सीरीज यूज किया गया है, एक में तीन एक में तीन, टोटल 6 बल्ब्स हैं। 14 14 वाट के एक बल्ब है, कैलकुलेट आप कर सकते हैं कितने वाट हम लोगों ने लाइट यूज किया। इसके बाद इस कमरे में कोई ज्यादा दूसरी लाइट नहीं थी, यही 6 बल्ब का लाइट है, एक पैनल है, एक कैमरा है PTZ, एक माइक है। तो जनरली ये रिकॉर्डिंग सेटअप बहुत ही कम स्पेस में आप देख सकते हैं, जैसा हम पीछे दिखा रहे हैं आपको कि ऐसा स्टूडियो सेटअप होगा, ऐसे सामान लगे हुए हैं, इस तरीके से लैपटॉप सेटअप है, इस तरीके से पेन टैबलेट सेटअप है। ठीक है, तो ये कम्प्लीटली आपको जो है कि एक कम से कम जगह में और मिनिमम से मिनिमम कॉस्ट में इंटरेक्टिव फील देने वाला कोई दूसरा सेटअप अभी तक ऐसा अवेलेबल नहीं है। तो दोस्तों, तो अगर आपकी कोई क्वारी है, कोई ऐसी ऐसे क्वेश्चन है जो इस वीडियो के अंदर में आपको लगता है कि सॉल्व नहीं हुए, या आपके मन में कोई सवाल रह गया, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट भी कर सकते हैं, जिसका रिप्लाई आपको बहुत जल्द से जल्द हम लोग कोशिश करेंगे देने का। अदरवाइज नीचे एक हेल्पलाइन नंबर है, आप हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं और अपने क्वारीज को क्लियर कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, बहुत जल्द हम लोग अपने अगले वीडियो के साथ में आपसे रूबरू होते हैं। धन्यवाद।